हेलो एवरीवन, कैसे हो। अभी आपको बताने वाला हूँ कि जो फ्लिपकार्ट है उसके अंदर एड्रेस कैसे चेंज करते हैं। तो पूरा वीडियो देखते रहना एंड बिल्कुल सिंपल बताऊंगा भाई, इतना सिंपल शायद ही आपको कोई बताएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले भाई हमें करना है अपना जो फ्लिपकार्ट है ओपन करना है। एंड भाई, और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको कुछ काम आती है। तो आपको मिलेगा नीचे यहाँ पर, ये होगा मैन आपका अकाउंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लिखा अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पे हो गया। एंड होने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका जो फ्लिपकार्ट अकाउंट ओपन होगा। एंड तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, नीचे जाना है, देखो ऐसे करके स्क्रॉल करना है, ठीक है। ऐसे आपको स्क्रॉल करते जाना है जब तक कि आपका ये ना आ जाए सेव एड्रेस। इस आपको सेव एड्रेस पर क्लिक करना है, जैसे मैंने किया। तो आपको भी इसी तरीके से अपने सेव एड्रेस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपका जो भी आपने एड्रेस देख रखा होगा वे सारे के सारे एड्रेस आपके यहाँ पर आ जाएंगे। आप यहाँ से न्यू एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर आपको मान लो चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है। ये ना देखो, मान लो ये थ्री डॉट है, ये वाला एड्रेस चेंज करना है, तो ये थ्री डॉट है इस पर क्लिक करना है। एंड एडिट ये लिखा आ रहा, देखो इस एडिट पे मैंने क्लिक किया तो ये आ गया भाई। यहाँ से मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, मान लो अपना नाम चेंज करना है, मोबाइल नंबर, या फिर भाई कुछ भी। एंड मान लो ये पिन कोड है और हिसार डायरेक्ट, मतलब कुछ भी भाई, एक्स वाई जेड कुछ भी चेंज मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। और बाद में आपको सेव पे क्लिक कर देना, मान लो ये रहा एंड मैंने एडिट है इस पर क्लिक किया, तो लास्ट में आपको सेव एड्रेस पे क्लिक करना है और आपका एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने जो फ्लिपकार्ट है भाई उसके अंदर अपना जो एड्रेस चेंज कर सकते हो। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब।